वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के इस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमारे दो लेसन थे, एक ही चैप्टर के दो पार्ट थे, जिसमें हमने पहला पार्ट कर लिया था और आज उसी लेसन का हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस कहानी के अंदर लेखक क्या कहना चाहता है, साथ ही साथ हम देखेंगे सारे हार्ड मीनिंग्स, वो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स और उनका अर्थ, साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर को ट्रांसलेट भी हम आपके लिए करके लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार और लिख लीजिए, रख लीजिए अपने पेन पेंसिल नोटबुक्स और अपनी बुक्स को साथ में, और नोट करते जाइए इसके मीनिंग्स को, इसके हार्ड वर्ड्स को, और समझते चलिए हमारे साथ इसके ट्रांसलेशन को। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस कहानी को। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी थीम के बारे में बता देता हूँ। यह थीम है, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि अपने घर से बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर रहता है, और यह अपने घर छुट्टी में जाना चाहता है, अपने परिवार के साथ जाना चाहता है, रहना चाहता है, और इसके लिए वह एक एरोप्लेन को उड़ाता है। एरोप्लेन में सवार होकर, हवाई जहाज में सवार होकर जाता है। रास्ते में वह देखता है कि तूफान है और उसका एरोप्लेन जो है वह एक पुराना एरोप्लेन है जो कि इस तूफान का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन वह अपने परिवार से मिलने के लिए रिस्क उठाता है और उस खतरे को मोल लेता है, और तूफान में होकर ही वह अपने घर की तरफ आगे बढ़ता रहता है। दुर्भाग्य से वह इसमें खो जाता है और बड़ा ही घबरा जाता है, क्योंकि उसका एरोप्लेन पुराना है, इसलिए उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर पाते हैं। फिर होता यह है कि एक अनजाना एरोप्लेन उसकी मदद के लिए आता है और उसे सही दिशा में और एक सुरक्षित एयरपोर्ट पर लेकर जाता है। जब वह नीचे उतरता है तो इस प्रकार के किसी भी एरोप्लेन को वो वहां पे नहीं पाता है, और इससे वह बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। इन शॉर्ट, हम कह सकते हैं कि इस कहानी के द्वारा लेखक बताना चाहता है कि जो हिम्मत करते हैं, जो लगातार ईश्वर में विश्वास करते हैं, वह सफल होते हैं। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को, इस पहले पैराग्राफ को, और समझते हैं इस लेसन के अंदर क्या राइटर बताना चाह रहा है। देखिए क्या लिखा है, लेसन का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। देखिए, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, आसमान में, ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में जो चंद्रमा है वह ऊपर आ गया था, मतलब रात का समय है। बिहाइंड मी, जो मेरे पीछे था, जहां पर ये लेखक उड़ रहा है वह कहानी बता रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज में उड़ रहा है, और इसके पीछे क्या है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबो मी, और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, यहां पे मैं लिख देता हूं चमकना। और देखिए लिखा है अबो मतलब होता है ऊपर, अबो का मतलब है ऊपर, अबो क्या है, एक प्री पोजिशन है जो ऊपर के अर्थ में प्रयोग की जाती है। There wasn't a cloud in the sky, आकाश में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, मैं खुश था कि मैं इस ग्रामीण परिवेश के ऊपर अकेला उड़ रहा था, सोते हुए ग्रामीण प्रदेश के ऊपर। स्लीपिंग मतलब सोता हुआ, और ग्रामीण कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। देखिए, अमेरिका के अंदर कंट्री शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गांव के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र, या यूं कहें गांव का क्षेत्र, ठीक है, यानी कि गांव का इलाका है, ठीक है। और वो रात का समय है तो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, स्लीपिंग मतलब सो रहे हैं। आगे देखिए, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था, कहां से उड़ा रहा था, फ्रांस के ऊपर से, और कहां जा रहा था, वह इंग्लैंड को जा रहा था, ठीक है। आगे देखिए, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, मैं अपने हॉलीडे के बारे में, अपनी छुट्टियों के बारे में सपने देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के बारे में सोच रहा था, ठीक है। हॉलीडे मतलब छुट्टियां, अवकाश, मैं यहां लिख देता हूं अवकाश, ठीक है।
और क्या लिखा है देखिए, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, आने वाले समय में। यहां मैं आपके लिए लिखता हूं आगे या आने वाला समय। देखिए आगे क्या लिखा है, आई लुक एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बज गया था। सुबह का मतलब रात के 12 बजे का समय है, 1:30 बज गया था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। हवाई जहाज जब उड़ाते हैं तो पायलट्स क्या करते हैं, अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कंट्रोल टावर के साथ में क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। तो यहां पर वह संपर्क करने के बारे में सोचता है। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने एरोप्लेन की नाक के पास में से नीचे देखा, नाक के पास में मतलब ठीक सीध में से नीचे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की लाइटों को देखा। ठीक है, यहां लिखा है इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं सामने। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-008 हियर, मैंने रेडियो को ऑन किया, शुरू किया और बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-008 यहां पर है। मतलब यह डकोटा उसके एरोप्लेन का नाम है, डीएस उसका कोड है और यह किससे संपर्क कर रहा है, पेरिस कंट्रोल से। यह शब्द आया है स्विच ऑन यानी कि शुरू करना। ठीक है, शुरू कर देना या चालू कर देना, यहां आपके लिए मैं इस वर्ड को लिख देता हूं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूं। यहां पर क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को बता रहा है कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। और लास्ट में लिखा है और मतलब पूरा हुआ, यहां मैं लिख देता हूं पूरा हुआ, यानी कि यह पूरा एक लाइन का संदेश था जो लेखक यहां पर दे रहा है। और पूरा होने का अर्थ क्या है कि अब आपको बोलना है। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का, इस वर्ड्स का, इन मीनिंग्स का, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पे लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत रेडियो पर से एक आवाज ने मुझे जवाब दिया। इमीडिएटली मतलब तुरंत उसको क्या मिलता है, उसका जवाब मिलता है जब वो संपर्क करने की कोशिश करता है। DS-008, आई कैन हियर यू, DS-088 मैं आपको सुन सकता हूं, यू आउट टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ, तुम्हें अब पश्चिम में 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए। DS-008 over यानी कि पूरा हो गया, यानी इनकी तरफ से कंट्रोल टावर की तरफ से भी क्या हो गया है, संदेश पूरा हो गया है। ठीक है, आई चेक द मैप एंड द कंपस, मैंने मैप को और कंपस को चेक किया। ठीक है, मैप का मतलब होता है नक्शा, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, देखिए नक्शा, और यहां लिखा है कंपस। कंपस का अर्थ क्या है, दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड टर्न द डकोटा 12 degrees वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने डकोटा को पश्चिम की तरफ 12 degrees इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा मैं सुबह के नाश्ते तक वहां पहुंच जाऊंगा। कहां पहुंच जाऊंगा, इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, इंग्लैंड में जहां उसका घर है। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश मतलब इंग्लिश लोगों का, अंग्रेज लोगों का। स्टूडेंट्स इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को ही केवल इंग्लिश कहते हैं, है ना। अक्सर हम लोग सोचते हैं जो भी विदेशी है वो सब अंग्रेज है, जी नहीं, क्या होता है केवल इंग्लैंड के लोग हैं वही अंग्रेज कहलाते हैं, बाकी जैसे ऑस्ट्रेलिया कहें तो ऑस्ट्रेलियन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़े, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था, इट वॉज एन इजी फ्लाइट, और यह एक आसान उड़ान थी। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। ठीक है, देखिए आगे,
Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Paris मेरे पीछे 150 किलोमीटर रह गया था जब मैंने बादलों को देखा. क्लाउड्स का मतलब होता है बादल. आकाश में कैसे आ गए हैं, क्या आ गए हैं, बादल आ गए हैं. स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो बादल कैसे हैं, तूफानी बादल है. स्टॉर्म का मतलब कहता है तूफान. यह मैं आपके लिए लिखता हूं, देखिए तूफान है ना, कैसे बादल है, तूफानी बादल है. देवर ह्यूज, वे विशाल थे, बड़े थे. ह्यूज का मतलब होता है बड़े या विशाल. आगे देखें, they looked like black mountains standing in front of me across the sky. वह मेरे सामने आकाश में, यानी आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक काले पर्वतों के समान खड़े हुए लग रहे थे. ठीक है, माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत. आगे देखें क्या लिखा हुआ है. I knew I could not fly up and over them. मैं जानता था ना तो मैं उन बादलों के ऊपर से और ना ही मैं बादलों के दूसरी छोर से उड़कर जा सकता था. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और ना ही मेरे पास इतना ईंधन था कि मैं दक्षिण से या उत्तर से उड़कर जा सकूं, मतलब विपरीत दिशा से उड़कर जा सकूं. इतना उसके पास में क्या नहीं था, फ्यूल नहीं था. फ्यूल यानी फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन. हवाई जहाज के अंदर ईंधन नहीं था. देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह ब्रेकफास्ट करना चाहता था. ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करना चाहता था. नाश्ता का एक्चुअल में क्या मतलब है, अभी वो अपने परिवार के साथ में, अपने फैमिली के साथ में समय बिताना चाहता था. आगे देखिए, आई टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा मैं रिस्क उठाऊंगा. रिस्क मतलब क्या होता है, खतरा. यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं खतरा या जोखिम. ठीक है, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और मैंने उस डकोटा को सीधा उस तूफान के अंदर उड़ा दिया. स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा. यानी कि वह पहले क्या सोच रहा था, बादलों के ऊपर नीचे साइड से इधर से उधर से ले जाएं, लेकिन अब क्या हुआ है, रिस्क उठाने का उसने ठान लिया है. तो सीधा, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, सीधा उसने निश्चय किया कि इसको उड़ाकर ले जाया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़े और नेक्स्ट स्टेंजा को, नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें कि उसके अंदर राइटर को किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो किस खतरे की बात करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, आगे क्या लिखा हुआ है. लिखा है देखिए, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया. ठीक है, अब उसने क्या किया है, अपने हवाई जहाज को सीधा कहां उड़ा दिया है, बादल के अंदर. और जैसे ही वो बादल के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है, अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, अचानक से क्या होता है, सब कुछ कैसा हो गया है, ब्लैक हो गया है. ठीक है, काला हो गया है, यानी जो रोशनी थी वो क्या हो गई है, गायब हो गई है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना क्या हो गया था, असंभव हो गया था. इम्पॉसिबल मतलब असंभव, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए असंभव. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है. द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना एरोप्लेन हवा के अंदर कूदा और घूम गया. ठीक है, ट्विस्टेड मतलब क्या होता है, घूम गया, घूमना. ठीक है, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, जंप मतलब कूदना. ठीक है, आई लुक एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा. मैंने ऑलरेडी इसका मीनिंग आपको बता दिया, दिशा सूचक यंत्र को, दिशा जो बता रहा था वो यंत्र को उसने क्या देखा है. आगे देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका. देखिए आगे क्या लिखा है, देखिए लिखा है, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों के ऊपर विश्वास न कर सका. वो आंखों के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है, आगे बता रहा है. देखो आगे के सेंटेंस में,
The compass was turning round and round and round. Compass जो था वो गोल 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 घूम रहा था. वैसे compass क्या होता है भाई? Compass कभी गोल गोल नहीं घूमता है, हमेशा किस में रहता है? उसकी एक पॉइंट नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में रहती है. लेकिन यहां क्या हुआ है? वो गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है? वो खराब हो गया है ना. क्या लिखा है? इट वॉज डेड, यह खराब हो गया था. यहां पर डेड का मतलब मरा हुआ नहीं है भाई, इसका मतलब क्या है? खराब, यानी काम नहीं कर रहा था, खराब हो गया है वो. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है. इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करने वाला था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स सडनली डेड, दूसरे उपकरण. इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? उपकरण. क्या हो गए थे? डेड हो गए थे. कैसे हो गए थे? खराब हो गए थे. और कैसे हो गए थे? अचानक से. सडनली ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, अचानक से. आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने का क्या किया? प्रयास किया. प्रयास किया किस चीज का? रेडियो को चालू करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं. पेरिस कंट्रोल, अब देखिए यहां क्वेश्चन मार्क है. पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल यानी कि वो क्या कर रहा है? संपर्क करने की कोशिश कर रहा है. कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया. द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था. I had no radio, मेरे पास रेडियो नहीं था. No compass, ना ही कोई दिशा सूचक यंत्र था. And I could not see where I was, और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहां था. दिशा का पता नहीं लग रहा है. I was lost in the storm, मैं तूफान में खो गया था. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane, और तब काले बादलों में मेरे समीप. क्वाइट नियर मतलब बहुत पास में. क्वाइट नियर मतलब बहुत पास, बहुत पास. देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, बहुत पास. देखिए क्या लिखा आगे. आई सॉ अनदर प्लेन, मैंने एक और हवाई जहाज को देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी. विंग्स का मतलब होता है पंख. ठीक है, हवाई जहाज के जो उड़ने वाले पंख होते हैं उसके बारे में. But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैं इसे अपने पास उस तूफान में उड़ते हुए देख सकता था. देखें आगे. I could see the pilot's face. मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था. पायलट मतलब होता है चालक. हवाई जहाज के जो चालक होता है उसे क्या कहते हैं? पायलट. आगे देखें. Turn towards me, जो कि मेरी तरफ मुड़ा. टर्न मतलब मुड़ा. ठीक है, उसने उसकी तरफ देखा. दूसरे वाले पायलट ने क्या हुआ है? देखा उसकी तरफ. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ही क्या था? ग्लैड. ग्लैड मतलब क्या होता है? प्रसन्न, खुश, प्रसन्नता भाई. ठीक है. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया. लिफ्टेड मतलब क्या होता है? उठाना, उठाना. ठीक है, और क्या किया? वेव्ड यानी हिलाया. ठीक है, अपने हाथ को क्या किया? हिलाया. किसी को क्या करते हैं? जैसे हम लोग करते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं टाटा, उसी तरह से उसने क्या किया? हाथ को हिलाया है. फॉलो मी ही वाज सेइंग, फॉलो मी, वह कह रहा था मेरा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ. फॉलो का मतलब होता है पीछे आना या पीछा करना. पीछा करना या पीछे आना, ठीक है, एक ही बात है. आगे देखें. He knows that I am lost, I thought. मैंने सोचा कि वे जानता है कि मैं खो गया था. Lost का मतलब होता है खो जाना. यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, खो जाना. ठीक है, देखिए आगे. He is trying to help me. वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट और देखें अब ये खोया हुआ पायलट किस तरफ जा रहा है और इसकी मदद कैसे की जा रही है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं फिर आगे क्या होता है इस पायलट के साथ में. चलिए आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं अगला स्टेंजा, अगला पैराग्राफ. देखिए लिखा है यहां पे, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे अपना हवाई जहाज नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ मोड़ दिया. स्लोली का मतलब होता है धीरे से. ठीक है, धीरे धीरे जो है ना. आगे देखिए. In front of my Dakota, ठीक मेरे Dakota के सामने. So that I would be easier, so that it would be easier
फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि यह मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसके पीछे कर सकूं, मैं उसके पीछे जा सकूं। Easier मतलब क्या होता है? आसान। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा है। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक आज्ञाकारी बालक के समान मैं उस अजीब हवाई जहाज के पीछे पीछे जाते हुए बड़ा ही क्या था, खुश था, बड़ा ही प्रसन्न था। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या विचित्र। यहां देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं विचित्र। ठीक है, और क्या लिखा है? ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी। यहां मैं आपके लिए लिखता हूं आज्ञाकारी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। एक और चाइल्ड का मतलब आपको पता है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। बिहाइंड का मतलब क्या है? पीछे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद भी वह विचित्र काला हवाई जहाज मेरे सामने बादलों में था। ठीक है, आप देखिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और देखिए आगे बादलों से आगे बढ़ते हुए जब वो नीचे उतरता है तो क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े, देखें ये आगे हमारा अगला पेज और लिखा है नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन दैट ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब पुराने डकोटा के अंदर केवल 5 या 10 मिनट उड़ने के लिए ही ईंधन बचा हुआ था। ठीक है, उसके जो लास्ट टैंक था उसके अंदर केवल इतना ईंधन था कि अब वो हवाई जहाज केवल 5 या 10 मिनट ही और अधिक उड़ सकता था। आगे देखिए, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा। फ्राइटेंड मतलब भयभीत या डर। ठीक है, डर लगना। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब शुरू हो गया। ठीक है, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब क्या होता है? शुरू करना। ठीक है, मैं लिखता हूं आपके लिए शुरू करना। देखिए आगे क्या लिखा है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उस तूफान में उसका पीछा करता रहा। तूफान में भी क्या रहा था? पीछे जा रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने दो सीधी रेखाओं में लाइट्स को देखा। ठीक है, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट का अर्थ है सीधा। ठीक है, लाइट्स का मतलब आपको पता ही है। इन फ्रंट ऑफ मी का हम लोग पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं। आगे देखें, इट वॉज ए रनवे, यह एक हवाई पट्टी थी। हवाई पट्टी मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं। आगे देखिए क्या लिखा है। एन एयरपोर्ट, एन एयरपोर्ट, यह एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। सेफ मतलब सुरक्षित। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए इसका भी मीनिंग। देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं अपने दोस्त को देखने के लिए उस काले हवाई जहाज की तरफ मुड़ा। यानी उसको अचानक से क्या समझ में आ गया कि ये मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प कर रहा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन हवाई जहाज जो आकाश था वह क्या था? खाली था। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। देर वॉज नथिंग देर, वहां पर कुछ भी नहीं था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल इसी का हवाई जहाज दिखाई दे रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे यह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, अर्थात मुझे मैं इसे कहीं पर भी देख नहीं सका। आगे देखें, द आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नीचे लैंड कर गया, मतलब क्या हो गया है, अब उसका हवाई जहाज नीचे उतर गया है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वह ओल्ड डकोटा से, पुराने हवाई जहाज से
कंट्रोल टावर की तरफ जा रहा था, उस पुराने डकोटा से कहां जा रहा है, कंट्रोल टावर की तरफ जा रहा है। आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं गया और उस कंट्रोल सेंटर के अंदर एक औरत से मैंने पूछा कि मैं कहां था, ठीक है, एंड और वह दूसरा पायलट कौन था, जो काला हवाई जहाज उड़ा रहा है वह दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। कौन बोला है ये लेखक बोला है, किसके लिए, उस काले एरोप्लेन के पायलट के लिए, उस औरत से जो कि कहां है, कंट्रोल सेंटर में बैठी है। नेक्स्ट, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और तब वह हंसी। स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीका, अजीब तरह से, ठीक है, अजीब तरह है, ठीक है, और वह क्या करती है, हंसती है, लाफ्ड का मतलब हंसी, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है यहां पर, अनदर एरोप्लेन, अब ये क्या है, यह है वह महिला, यानी वो कंट्रोल सेंटर में जो औरत बैठी है वह बोल रही है, एक और हवाई जहाज, अब दे इन द स्टॉर्म, और वो भी इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, योर्स वॉज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही एकमात्र हवाई जहाज था, आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। रडार क्या होता है, एक उपकरण होता है जिससे किसी भी उड़ते हुए हवाई जहाज की स्थिति का पता लग जाता है, जो एक निश्चित दूरी तक ही क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस पायलट का रिएक्शन क्या होता है जब उसे महिला के द्वारा इस प्रकार का जवाब मिलता है। देखिए क्या लिखा है यहां पर अगले पैराग्राफ में लिखा है, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स, तो मेरे टैंक के अंदर अतिरिक्त ईंधन के बिना, बिना कंपास के और बिना रेडियो के सुरक्षित रूप से उतरने में किसने मेरी मदद की है, ठीक है। ये क्या है, यह पायलट बोल रहा है। अब क्या होता है, देखो, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि बिना लाइट्स के उस तूफान में उड़ रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा ये लेसन, इसका सेकंड पार्ट जो हमने आज पूरा कर लिया है, और इसके हमने मीनिंग्स को भी लिखा है और इसके ट्रांसलेशन को भी हमने समझा है, साथ ही साथ हमने समझा है कि कैसे ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, मुसीबतों के का सामना करना चाहिए। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं, उनसे भागते नहीं है, तो कहीं ना कहीं से हमारे लिए भी क्या होती है, मदद आ ही जाती है, जैसे कि इस पायलट के लिए आ गई थी, किसके द्वारा, उस काले हवाई जहाज के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।